विधायक का अस्पताल में मरीजों के बीच लहराता तमंचा। पोती का इलाज कराने गए अस्पताल में क्यों लहराना पड़ा तमंचा? तमंचा देख अस्पताल में सहमे लोग। फिर विधायक को किसका मिला साथ? आखिर ये विधायक है कौन और इस पर जेडीयू क्यों है मौन? अपनी हरकतों और बयानबाजियों से सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अब अपने नए कारनामे को लेकर चर्चा में है। वो भागलपुर के एक अस्पताल में हाथ में पिस्टल लेकर घूमते दिखे। बताया जा रहा है कि गोपाल मंडल अपनी पोती अवनिका सिटी स्कैन कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। विधायक के हाथ में रिवॉल्वर देख लोग डरे सहमे नजर आए। कर्मचारी भी तुरंत से विधायक की पोती का सिटी स्कैन करने में जुट गए। इस दौरान उनके सुरक्षा गार्ड्स भी मौजूद थे। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही कहा है कि बिहार में राक्षसी राज है। बता दें कि जेडीयू मंत्री जयंत राज विधायक के अस्पताल में पिस्टल लेकर घूमने का समर्थन करते दिखे। उन्होंने कहा हथियार लाइसेंसी है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं विधायक गोपाल मंडल ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी हत्या हो जाएगी तो पुलिस प्रशासन क्या कर लेगा। फूलन देवी एमपी थी, फिर भी उनकी गेट पर हत्या कर दी गई थी। हम अपनी सुरक्षा में अपने हाथ, कमर और गाड़ी में हथियार रखते हैं।